कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि पिछले 11 महीने में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को तबाह कर दिया है। शुक्ला ने कहा है कि मलेरिया और डायरिया जैसे सामान्य बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। कांग्रेस की बाजार क्लिनिक योजना भाजपा सरकार ने बंद कर दी है, जिससे आम जनता परेशान है। पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तबाह कर दिया। आज मलेरिया और डायरिया जैसे सामान्य बीमारियों से भी बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की मौतें हो रही हैं। पखांजूर में दो सगी बहनों की मौत हो गई। इसके पहले आप देखिए कि मलेरिया से और डायरिया से कवर्धा में संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत हुई, जसपुर में संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत हुई। हमारी सरकार ने हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना चालू करके और मोहल्ला क्लिनिक चालू करके जो लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई थी, इस सरकार ने विद्वेष पूर्वक उसको बंद कर दिया और जिसके कारण अब आम आदमी मलेरिया डायरिया जैसी सामान्य बीमारियों से मरने को मजबूर।